हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज का व्लॉग चालू हो रहा है शाम के 8 बजे। अभी जस्ट मैंने 2-5 मिनट पहले ये एक व्लॉग एंड किया है एंड अभी एक नया व्लॉग चालू करते हैं, क्योंकि वो व्लॉग अगर मैं आज का दिन पूरा खींचता तो आज का दिन बहुत बड़ा हो जाता। जैसे कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था गाइस कि एक नया ट्विस्ट आ गया है आज के दिन में। एक नया ट्विस्ट ये है आज के दिन का कि अभी मेरे को ये मैसेज मिला कि हमारे एरिया का जो गणपति, हमारे इधर जो बाहर गणपति बैठते हैं, उनका आगमन भी आज है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ये मुझे अभी पता चला, तो दक्ष ने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे है, थोड़े टाइम में निकलने वाले हैं 8 बजे। हालांकि 8 बजे बोल रहे थे 8 बजे निकलने वाले हैं, बट अब बज गए 8:30, तो अभी तक निकले नहीं निकले, गॉड नोज। अभी तो सारे नीचे हैं। अभी मैंने उन लोगों को बोला कि अगर निकलोगे तो मुझे फोन कर देना। पूरे सब लोग आ गए हैं, आज जमा हो गए, तू आ जा। मैं बोला आऊंगा, थोड़ा टाइम रुक, मेरा काम बचा है, मैं काम खत्म करके आता हूँ। बाकी ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सजाया हुआ है मुकुट, तो भाई एकदम आला लग रहा है बहुत ऐसा। मतलब ये लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं, तो मेरे को बहुत ऐसा अंदर से वो हो रहा है, ऐसा जिज्ञासा हो रही है कि भाई मुझे भी देखना है कैसी है मूर्ति, क्या है क्या नहीं। तो हम भी देखेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे कैसी और क्या है और क्या नहीं। एंड आगमन बहुत नॉर्मल होता है, बहुत ढोल वोल कुछ भी नहीं, नॉर्मल ऐसा टेम्पो लेके जाते हैं, मूर्ति लेके आ जाते हैं। विसर्जन में थोड़ा कुछ होता है, इस साल है नहीं है क्या पता, हमको इतना पता नहीं। बस हमारे यहाँ बैठते हैं तो हम खाली सेवा देते हैं, बस वो चीज़ है। देखते हैं आज के ब्लॉग में और क्या क्या शूट होता है, बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे आगे, चलो। तो गाइस, अभी मैंने सूर्य को फ़ोन किया था, तो सूर्य बोला है कि थोड़े टाइम में निकल रहे हैं, क्या पता। ये लोग मतलब बच्चे लोग तो खाली ऐसे गोली देते कि हाँ निकल रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, आ जा तू, आ जा। अभी जाके देखते हैं क्या सीन आ रहे हैं वहाँ पे। काम तो ख़त्म हो गया, वीडियो अपलोडिंग पे लगा दिए, तो वीडियो अपलोड हो जाएगा। वीडियो आने में बहुत टाइम है, अभी तो 8:30 भी नहीं बजा है, तो आराम से हो जाएगा वीडियो अपलोड, कोई टेंशन नहीं है। तो जाके देखते हैं मंडप का क्या सीन है एंड क्या नहीं। इतना डेकोरेशन नहीं है, बट फिर भी देखते हैं, चलो। तो गाइस, ये है यहाँ का मंडल है, वो मंडल का बोर्ड। तो ये है कुछ डेकोरेशन, अभी गणपति की मूर्ति लगने के बाद और डेकोरेशन, मतलब और लाइटिंग सब कुछ लगेगा। अभी तो खाली ये 2 लाइट लगी है, यहाँ पे एक फोकस वहाँ पे, एंड बाहर का जो लाइटिंग है वो यहाँ पे। हमारे मंडल में किसी का कुछ हो गया है ना, कोई कौन ऑफ हुआ, दो मेंबर पप्पू और एक मेंबर थे, तो उसके वजह से इतना धूमधाम से नहीं कर रहे, नहीं तो अच्छे से आता है हमारा गणपति। तो कितने बजे तक जाने वाले? 9 बजे तक जाएंगे। 9 बजने में आधा घंटा है, ठीक है, खैर कोई नहीं। अंगद बारोट शरीफ है, कौन चिल्ला रहे? तो गाइस, हम लोग अभी तक मंडप में ही बैठे, अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए। 8 बजे बोला था, 8 से 8 बजे को बोला, 9 बजे जाएंगे, अभी 9 बज गए। अभी तक कोई टेम्पो वेम्पो कुछ का किसी चीज़ का भी आता पता नहीं है। हालांकि टेम्पो आता है, एक बड़ा टेम्पो आता है, उसमें जाते हैं हम लोग सब लोग मूर्ति लेने के लिए, बट अभी ना टेम्पो है, ना टेम्पो के इंसान है, कोई भी नहीं है। तो अभी देखते हैं कब जा रहे हैं कब नहीं, एंड आपको भी बताएंगे कितने लोग जा रहे हैं। भाई कौन कौन जा रहा है यहाँ से? यहाँ पे इधर 1 2, तू चल रहा है? तू नहीं, वो चलेगा? 3 4 5, मैं 6 और 2 7 और 8। अभी और आएंगे, मतलब और लोग आएंगे, इतने नहीं, अभी तो 15-20 लोग जाते हैं लेने के लिए मूर्ति। मत हंस, मत हंस, मत। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10 बज गए। अभी आया है ट्रक, बाहर खड़ा है यहाँ पे, नहीं हालांकि यहाँ पे रखता था पहले, बट अभी यहाँ पे नहीं, अभी बाहर खड़ा है। तो सारे बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे वहीं पर हैं, मैं और अंगद खाली यहाँ बैठे, बाकी सब वहीं पर कुदम कादम मचा रहे पता नहीं क्या। अभी भी जाने के लिए टाइम है, अभी भी निकले नहीं, अभी भी जाने के लिए टाइम है, समझो 10:15 तक पहुँचेंगे, एंड 10:30 11 तक आएंगे वापस, तो लेट होगा आने के लिए। तो आप भी वेट करो, हम भी वेट करते। मैं तो घर पे गया था, घर पे चार्ज किया फ़ोन, उसके बाद आया, चार्जिंग एकदम कम था, 20% चार्जिंग हो गया था एकदम। तो मैं घर पे चार्ज किया, 50% है, 50% अभी करके आया हूँ, अभी शूट करके आपको बताएंगे क्या सीन हो गया। तो गाइस, ये रहा हमारा टेम्पो, और सारे लड़के टेम्पो के अंदर। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, मंडप पे क्यों नहीं हो? कब निकल रहा है? अभी बोला, चलो फिर, चलो इसको हटाना, इसको तो हटा, ये ताड़पत्री, इसको तो हटा। फिर तो गाइस, फाइनली टेम्पो के अंदर आ गए हैं, अभी बस 2-5 मिनट में निकल रहे हैं। तो इतने सारे लोग आ गए हैं अंदर, अब कौन कौन है आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, कुदम का तो मचा रहे थे ये लोग, बट ठीक है, अभी निकलने का टाइम हो गया। मैंने आपको क्या बताया था टाइम, 10 बजे, और परफेक्ट 10 बज रहा है, तो सन्नी का बोला हुआ सच होता ही है। तो वही चीज़ अभी निकल, बारिश देखो भाई, बारिश देखो, अरे नहीं ये बारिश नहीं, सॉरी एक सेकंड, वो फॉग फॉग टाइप था, तो मेरे को लगा बारिश आ रहा है। निकलते हैं टेम्पो लेके, देन उसके बाद वहां पहुंचते हैं, फिर वहां मिलते हैं आपसे। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। हम लोग पहुंच गए, यहाँ से आएगा हमारा गणपति, मतलब यहाँ से खतरनाक। हाँ भैया उतारे,
ए इन लोगों बच्चे लोगों को उतारो ए कदली अब उतारो ये 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 हाय शाबाश ये ओ बैठ जाओ ए क्या ऊपर डालना इसको कैसे डालेगा बांधेगा कैसे उसको ऊपर गणपति बप्पा का आगमन हो गया है एंड अभी जस्ट मैं अपने बिल्डिंग में आया हूँ। बहुत तेज से बारिश चालू हो गई थी भाई, वो तो जो हमारा मंडल का बोर्ड था वो बोर्ड भी गिर के टूट गया, मतलब बीच में से टैक लगाने आ रहे थे वो लोग, गिर के टूट गया वो बीच में साला खटैक करके, इतनी जोर से बारिश हुई हवाई के साथ बोर्ड का ही बैंड बज गया। तो अभी आया, अभी जस्ट बारिश हल्की कम हुई तो मैं बोला ठीक है चलो यार घर चले जाते ना तो अटक जाएंगे उधर ही। नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल हम आगमन वगैरह करके घर जाके मैं तो सीधा सो गया था, मैं इतना थक गया था ना ट्रैवल करके तो सीधा मैं सो गया था, तो कल मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो गाइस अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। मैं 7 बजे से उठा हुआ हूँ, नाश्ता वगैरह किया, अभी जा रहा हूँ मैं शॉप पे कुरला, वहाँ से माल लेके मुझे आना है। तो फटाफट से चलते शॉप पे जाके माल लेके आते। आज का भी दिन थोड़ा सा ऐसे ही जाएगा, कट टू कट ही जाएगा, मतलब माल डिलीवर करना, शॉप के काम करना, ये सारी चीज़ें। कोशिश करूँगा उसी बीच में मैं ब्लॉग बना दूँ, कल रात से जैसे ब्लॉग चालू कर रखा है मैंने, तो कोशिश करूँगा मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाऊँ। बट अभी के लिए फ़िलहाल तो गाइस मौसम तो अच्छा हो रहा है, बारिश जैसा नहीं है, खुला मौसम है। देखो यहाँ पे हो रहा है हल्का बारिश जैसा, इधर तो खुला है। आगे मौसम का भी क्या सीन है, अभी फिलहाल के लिए निकला हूँ गाइस। एक मिनट, मैंने टिकट ही नहीं लिया, अभी याद आया टिकट ही नहीं लिया, मैं घर पे ले गया, मतलब टिकट वॉलेट के अंदर है, वॉलेट घर पे। A few moments later. Okay, so guys, वॉलेट तो नहीं लिया, टिकट ले लिया मैंने अपना। फटाफट से जल्दी गाइस पहुँचते हैं एंड मिलते हैं आपसे वहीं पर, चलो। ओके तो गाइस जस्ट शॉप पे पहुँचा हूँ एंड शॉप पे काम ओवरनाइट हुआ है, तो अभी मैं कितना भी ये मारूंगा ना दरवाजा ठोकूंगा, अंदर उठेंगे नहीं लड़के, देखना आप देखना। अरे भैया पाटला, अरे गिरना नहीं भाई, उठ गया कोई, उठ गया। ओके सो गाइस जस्ट घर पे आए हैं एंड अभी टाइम मैं बताऊँ आपको लिटरली कितना बज रहा है, 12 बज रहा है अभी, 12। माल ही डिलीवर करके आया हूँ, खाली दो जगह का माल खाली डिलीवर करके आया हूँ मैं बस। और क्या इंसिडेंट है घर चल के बताता हूँ, चलो। ओके सो गाइस फिर से निकला हूँ मैं शॉप के लिए, मुझे फिर से माल लेने जाना है। अभी टाइम हो रहा है 4, तो यही चलता रहेगा, माल लेके आना है, देना है, लाना है, देना है, आना है, जाना है। अब तो ताकत ही नहीं बची मेरे में ब्लॉग करने का, ताकत ही नहीं बच रहा है अभी, मेरे को बोलने ही नहीं हो रहा है मेरे को ऐसा, मतलब अंदर से ही, मतलब कोई नहीं, ऐसे कैमरा चालू करके मैं दिखा सकता हूँ सब चीज़, मैं बोल नहीं सकता, ताकत ही नहीं है बोलने की, वही चीज़। तो खैर चलते हैं गाइस शॉप पे, माल वगैरह लेके आते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं आपसे।
ओके तो गाइस माल ले लिया हूँ, ये मेरा माल, ये मेरे को लेके जाना है, तो माल ले लिया हूँ, फटाफट से निकल रहा हूँ। मौसम भी खराब हो रहा है एंड थोड़ा अर्जेंट भी है क्योंकि इस टाइम पे ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, तो बहुत ज़्यादा पीक टाइमिंग है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो खाली गाड़ी मिले वही पकड़ लूँ, क्योंकि विद्या वैसे बनती है एक गाड़ी खाली जाती है, वो तो सोच रहा हूँ वही पकड़ लूँ, अगर मैं लेट करूँगा तो वो नहीं पकड़ पाऊँगा, तो फटाफट से विदाउट टाइम पास ये लेके जाते हैं एंड आपको घर पर मिलेंगे सीधा। चलो ओके, तो गाइस मेरे को अभी ट्रेन मिल गई है एंड मैं लगेज में चढ़ाऊँगी लेके माल, और बाहर देखो मतलब पूरा लगेज, देखो पूरा लगेज डब्बा खाली है, पूरा खाली है, और गाइस बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, अभी अभी स्टार्ट हुई है बारिश, बाहर देखो कितनी तगड़ी बारिश आ रही है, और ये जो खालीपन आपको दिख रहा था यहाँ खाली खाली पूरा खाली खाली, ये बस कुछ ही टाइम के लिए, ये विद्याविहार है, विद्याविहार के बाद आएगा घाटकोपर, और घाटकोपर में ऐसा भरेगा ना फिर ये कि भाई पूछो मत, पूरा खाली लिटरली, देखो कोई नहीं है, देखो तो मैं सीट लेके बैठ ही गया हूँ भाई, बारिश आ रही है वहाँ कौन खड़ा रहे, पूरा माल भीगेगा, देखो पानी यहाँ यहाँ अंदर अंदर तक आता है, घाटकोपर में भरेगा। ओके सो गाइस जस्ट घर पे आया हूँ, माल वगैरह डिलीवर करके, टाइम हो रहा है 7:30, कब निकलता हूँ, कब आता हूँ, कब डिलीवर करता हूँ, कब घर आता हूँ, खैर कुछ नहीं गाइस अभी चलते हैं घर एंड खाना पीना कुछ खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलो ओके, तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:01 एंड अभी वीडियो वगैरह एडिटिंग भी हो गई है, थोड़ी सी लेट हुई हालांकि क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी इसके थोड़ी सी लेट हुई, खैर कोई नहीं, बट वीडियो एडिट हो गई है तो एटलीस्ट टाइम पे आ जाएगी, वीडियो ना आए उससे अच्छा है कि वीडियो एटलीस्ट थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है बट एटलीस्ट आ जा रहा है वीडियो, तो आ जाएगा 9:30 तक मेरे ख्याल से, तो उसके लिए सॉरी थोड़ा लेट हो गया, अभी थोड़ा सा चल रहा है ऐसा स्ट्रगल चल रहा है कि वीडियो डाल ही नहीं सकता, बट उसमें भी मैं डाल दे रहा हूँ तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करो उस चीज़ को, तो वही चीज़ें तो करते हैं, वीडियो अपलोडिंग 9:30 तक आ जाएगी वीडियो, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड सॉरी फॉर लेट वीडियो, मिलते हैं आपसे बाद में अगर कुछ कहीं जाए कुछ करें तो। ओके तो गाइस वीडियो वगैरह एडिटिंग हो गई है एंड सब काम मेरा हो गया है एंड अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो मैं ऐसे ही आया था नॉर्मली नीचे ऐसा मतलब ऐसे घूमने के लिए, तो ये लोग अपना यहाँ पे, हाँ यस, और यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है, ट्रांजेक्शन वीडियो शूट हो रहा है, वो सब हिल गया वैसा, तो वही चीज़ है गाइस, तो अभी घर जाएंगे, डिनर वगैरह कुछ भी हुआ नहीं है, घर जाके डिनर वगैरह करना है, तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ, क्योंकि अभी घर जाना है, खाना खाना है और सीधा सोने का, तो वही है अभी सीन, और कोई सीन नहीं है रात का, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री। ना ये लोग पूरा व्लॉग इन लोग खराब करते हैं क्या, अरे तेरे को पता नहीं जब अभी तो लाल सुखा ली।